प्रभु ईसा मसीह में स्नेही सज्जन, संत यूसुफ एक महान व्यक्ति है जिनके बारे में पवित्र बाइबल में बहुत कम जिक्र किया गया है, मगर वह महान व्यक्ति इस संसार में ईसा मसीह के पालक पिता थे। विशेष गुणों से संपन्न संत यूसुफ समर्पित जीवन का एक ज्वलंत उदाहरण है। वे समर्पित जीवन की मिसाल क्यों माने जाते हैं? ये इसलिए है कि उनके जीवन के विशेष गुण से जो संत यूसुफ को चमकीला आदर्श बनाया था। उनके पहला गुण था कि वे ईश्वर के आदेशों को सवाल किए बिना सिर आंखों पर लेते थे। जब संत यूसुफ को मालूम पड़ा कि जिस नारी से यानी कुंवारी मरियम से अपनी मंगनी हुई थी वह गर्भवती है, तो उसको चुपचाप छोड़ने का फैसला किया। मगर ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि मरियम को स्वीकार करने से न हिचके, तो संत यूसुफ ने मरियम को स्वीकार करते हुए ईश्वर का आदेश को पालन किया। दूसरा गुण है संत यूसुफ की धार्मिकता। पवित्र बाइबल कहता है संत यूसुफ धर्मी थे। उनकी धार्मिकता ऐसी थी कि उन्होंने कभी भी मत्ता मरियम का अपमान करना नहीं चाहा। अपने स्वयं का नुकसान होते हुए भी संत यूसुफ मत्ता मरियम को अपमान से बचा लेते हैं। वे न तो मत्ता मरियम को कोसते, न उससे सवाल करते और न उस पर गुस्सा करते हैं, बल्कि शांत मन से मत्ता मरियम को स्वीकार करते हैं। मेरे बंधुओं, अगर ईसा मसीह को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना हो तो हमें संत यूसुफ की तरह धार्मिकता से संपन्न जीवन में ईश्वर के आदेशों को अपने जीवन में पालन करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि संत यूसुफ ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने ईश्वर के आदेशों का पालन करने का मात्र नहीं बल्कि अपने जिंदगी में आने वाली सभी ईश्वरीय योजनाओं को अपने दिल से अपनाया था। तो हम भी उनका अनुकरण करें। ईसा मसीह का पालना बनने के लिए हमें अपने शरीर को संत यूसुफ की तरह अर्पित करें। इस तरह ईसा मसीह की जन्म जयंती को सार्थक बनाएं। मैं दुआ करती हूँ कि संत यूसुफ, माता मरियम एवं स्वयं प्रभु ईसा मसीह आपके और आपके परिवार को अपनी निरामत की छत्र छाया में हर पल हमेशा सुखी और सुरक्षित रखें।